हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट जूलॉजी इंटर सेकेंड ईयर इम्पॉर्टेंट एलएक्यूज। तो इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलएक्यूज है इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट यूनिट 2 में है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट ऑफ अ मैन विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम। सेकेंड नोट, राइट अ नोट ऑन दी वर्किंग ऑफ हार्ट ऑफ ए मैन। तो स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ हार्ट एक, आई मीन दो। यूनिट 5th में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 क्वेश्चन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, 4 क्वेश्चन हो गए। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मल्टीपल एलील्स, डिस्क्राइब मल्टीपल एलील्स, मतलब ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ना है। सेकेंड क्वेश्चन, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, और थर्ड वाला है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, स्टार्टिंग के यूनिट 2, यूनिट 5 के 2-2 क्वेश्चन, 4, ये 4, 8, टोटल 8 एलएक्यूज पढ़ेंगे अपन। तो आज पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में। सो लेट्स बिगिन। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ह्यूमन हार्ट इज अ हॉलो मस्कुलर कोन शेप एंड पल्सेटिंग ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन लंग्स मेरिस्टिनम। क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन हार्ट क्या है, एक हॉलो मस्कुलर कौन शेप टाइप में है, क्या पल्सेटिंग ऑर्गन, पल्सेटिंग मीन्स जो सांस लेती, ठीक है, पल्स रो करती, क्या बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं इसको, एनीवेज, विच इज सिचुएटेड बिटवीन दी लंग्स, मतलब जो लंग्स के बीच में आता है, ये लंग्स है प्रॉपरली, लंग्स के बीच में नहीं, एक ना साइड में ना बीच में, बीच में रहता, तो उसको क्या बोलते हैं, मीडियस टीनम। ठीक है, द साइज इज अबाउट क्लिंच फिस्ट, मतलब अभी आपके मुट्ठी के बराबर आपका दिल रहता है, तो आप सुने होंगे, ये फिंगर है, ये फिंगर ऐसा रखो, आप रख के ऐसे फोल्ड करो, तो ये जो आपका ये फिस्ट है ना, इतना आपका हार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इट्स मीसोडर्मल इन ओरिजन, ये क्या है, मीसोडर्मल इन ओरिजन रहता बोल के बोल रहे हैं। इसके कितने पार्ट्स है, 4, पेरिकार्डियम, हार्ट वॉल, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट पढ़ेंगे अपन पेरिकार्डियम के बारे में, क्वेश्चन सॉरी साइड हेडिंग वर्ड से समझ में आ रहा, पेरी मीन्स ऊपरी सतह, मतलब ऊपर का लेयर के बारे में पढ़े, पेरिकार्डियम। हार्ट इज कवर्ड बाय डबल वॉल पेरिकार्डियम, जो दिल है अपना वो क्या है, डबल वॉल पेरिकार्डियम से कवर है बोल रहे। द आउटर लेयर इज फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड इनर लेयर इज सीरस पेरिकार्डियम। जो आउटर लेयर है अपने हार्ट का वो इससे वो उसको क्या बोलते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम बोलते हैं, और जो इनर लेयर है उसको बोलते हैं सीरस पेरिकार्डियम, विच इज सिचुएटेड इन बिटवीन दीज टू लेयर्स, देयर इज अ पेरिकार्डियल फ्लूइड विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन एंड अलाउज फ्री मूवमेंट ऑफ द हार्ट। क्या बोल रहे, पहले तो बोल रहे कि जो दिल है वो दो डबल लेयर पेरिकार्डियम से कवर है, ठीक है, ये दिल है, अब ये क्या, ये दो पेरिकार्डियम डबल लेयर से कवर है बोल रहे। तो इन लोगों के में जो दो ये आउटर लेयर को क्या बोलते बोल रहे, फिब्रस पेरिकार्डियम, और जो इनर लेयर है इसको बोलते क्या बोल रहे, सीरस पेरिकार्डियम। तो इन दोनों की लेयर के बीच एक फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, फ्लूइड रिलीज होती, कई को रिलीज होती है बोले तो, उन्हें क्या करता, फ्रिक्शन रिड्यूस करता और हार्ट को अलाउ करता कि फ्री मूवमेंट हो। अब आपका दिल ऐसा जो धड़क रहा, ऐसा जो पंप हो रहा, तो ये जो मूवमेंट हो रहा ना बिना फ्रिक्शन के, मतलब कुछ भी ग्लिच, बिना ग्लिच के, मतलब क्या बोलते हैं, अगर गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया तो क्या है, गाड़ी चलती नहीं, कितना भी किक मालो तो उसमें फ्लूइड कम ख़त्म हो गया। लेकिन अगर हार्ट में अगर फ्लूइड, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या है, अगर इन्हें प्रोड्यूस करना बंद कर दे तो हार्ट को भी क्या है, स्ट्रेचिंग के लिए प्रॉब्लम होती, मतलब पल्सेटिंग के लिए प्रॉब्लम होती। तो ये जो फ्री मूवमेंट अलाउ कर रहा है इन्हें, कौन कर रहा, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हार्ट वॉल, अब वॉल के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट, हार्ट इज़ हैविंग 3 लेयर्स, 3 लेयर्स है इसके, पहले क्या है, आउटर एपिकार्डियम, मिडिल मायोकार्डियम एंड इनर एंडोकार्डियम। ठीक है, आउटर लेयर है, इनर लेयर है, मिडिल लेयर है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है, इसका इजी डायग्राम मैं शॉर्ट वीडियो में डाल देती हूँ। ठीक है, उसके बाद है, चलो अपन अब पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या है, देखो, ह्यूमन हार्ट हैज़ 3 चेम्बर्स,
ह्यूमन हार्ट के पास कितने चेम्बर्स रहते हैं? थ्री चेम्बर्स रहते हैं। टू स्मॉल अपर चेम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया एंड टू लार्ज लोअर चेम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। जो हार्ट के पास क्या बोल रहे हैं, थ्री चेम्बर्स रहते हैं, ऊपर के दो चेम्बर्स जो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, एट्रिया बोलते हैं, और जो लोअर चेम्बर्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाई अ डीप ट्रांसवर्स ग्रूव कॉल्ड कोरोनरी सल्कस। अब जो हार्ट आर्टरीज और वेंट्रिकल्स को जो सेपरेट करती उसको क्या बोलते हैं, कोरोनरी सल्कस बोलते हैं, बोल के बोल रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ईच आर्ट्रियम हैज अ स्मॉल ईयर लोब लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड ऑरिकुलर अपेंडिक्स। जो हर आर्ट्रियम के पास क्या बोल रहे हैं, एक स्मॉल ईयर लोब मीन्स आपके कान के ऊपर ऐसा साइड में एक लोब ऐसा रहता, देखो ठीक है, ये कान है जो साइड में जो ये रहता ना लोब टाइप, वैसा क्या है, एक प्रोजेक्शन रहता बोल रहे, उसको ऑरिकुलर अपेंडिक्स बोलते बोल के बोल रहे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय टू इनर वेंट्रिकुलर ग्रूव्स इन विच द कोरोनरी आर्टरीज एंड देयर ब्रांचेस आर लोकेटेड। वेंट्रिकल्स को जो सेपरेट करता है, कौन सेपरेट करते हैं, बोल रहे दो इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव्स रहते हैं जो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करते हैं और अलाउ करते हैं कोरोनरी आर्टरीज के ब्रांचेस को लोकेट करने के लिए, ठीक है। ये हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ एट्रिया वेंट्रिकल्स नोडल टिश्यूज एंड ऑर्टिक आर्चेस, ठीक है। अब आर्ट्रिया के बारे में पढ़ेंगे, आर्ट्रिया आर थिन वॉल्ड ब्लड रिसीविंग चेम्बर्स। अब आर्ट्रिया का काम क्या है, ये लोग थिन वॉल रहते हैं, बहुत ज़्यादा थिन रहती है इन लोगों की वॉल, और ये लोग क्या करते हैं, ब्लड क्या करते हैं, रिसीव करते हैं ब्लड रिसीविंग चेम्बर से। द राइट वन इज लार्जर देन लेफ्ट, राइट जो हिस्सा है आर्ट्रिया का वो जो क्या है, बड़ा रहता लेफ्ट से बोल के बोल रहे हैं, ठीक है। द टू आर्टरी आर सेपरेटेड बाई थिन इनर आर्टेरियल सेप्टम। अब जो आर्टरीज को जो सेपरेट करती है उसको क्या बोलते हैं, थिन इंटर आर्टेरियल सेप्टम, जो दो आर्टरीज को सेपरेट कर रहा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इन द फेटल हार्ट द आर्टेरियल सेप्टम हैज स्मॉल पोर कॉल्ड फेरामन ओवल। क्या बोल रहे, फेटल बोले तो जो बेबीज रहते हैं उन लोगों के हार्ट में क्या रहता है, एटीएल सेप्टम में एक स्मॉल पोर रहता है, उसको क्या बोलते हैं, फोरामन ओवल बोलते बोल के बोल रहे, ठीक है। इन एडल्ट्स फोसा ओवैलिस इज प्रेजेंट इन द इंटर आर्टियल सेप्टम, वही अगर अडल्ट में बोलते तो फोसा ओवैलिस प्रेजेंट रहते हैं, किसमें, इंटर आर्टियल सेप्टम में, आर्टरीज के अंदर, ठीक है, इनर पार्ट में। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, राइट आर्टरियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। अब क्या बोल रहे हैं, जो राइट आर्टरी रहती है वो उन्हें क्या रिसीव करती है, अभी अपन पढ़े कि आर्टरी के बारे में पढ़े, आर्टरी चलो ब्लड रिसीव करती, अभी आर्टरीज में क्या है, राइट आर्टरीज लेफ्ट आर्टरी से, तो राइट आर्टरी क्या रिसीव करती, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती, कि कहाँ से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। अभी क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट आर्टरी रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ईच लंग थ्रू टू पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। राइट आर्टरी क्या रिसीव करी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। वो अगर उसका ऑपोजिट वो पढ़े तो अपन लेफ्ट आर्टरी रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ईच लंग थ्रू टू पल्मोनरी वेन्स। आर्टरी एंड वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाई अ मेम्ब्रेन अट्रायो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब जो आर्टरीज और वेंट्रिकल्स दोनों को सेपरेट करती जो मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है, आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, जो कि आर्टरीज और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करती। अब आर्टरी के बारे में पढ़ लें, अब वेंट्रिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या बोल रहे, दीज आर द थिक वॉल्ड ब्लड पम्पिंग चेम्बर लोअर चेम्बर्स। अभी आर्टरिया जो पढ़े अपन उसका पूरा ऑपोजिट अपन वेंट्रिकल्स में पढ़ते। आर्टरीज क्या थे, थिन वॉल्ड थे, ब्लड रिसीविंग थे, बट वेंट्रिकल्स क्या है, थिक वॉल्ड और ब्लड पंपिंग चेम्बर्स है, लोअर चेम्बर्स है, ठीक है। द टू वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाई एन इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। अब इन लोगों को, अब वहाँ पे क्या है, टू आर्टरीज को कौन सेपरेट कर रहे थे, थिन इंटर आर्टेरियल सेप्टम। अब क्योंकि आर्टरीज है तो इन लोगों को कौन सेपरेट करते, आर्टेरियल सेप्टम सेपरेट करता। अब यहाँ पे वेंट्रिकल्स है तो इन लोगों को कौन सेपरेट कर रहे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इन लोगों को क्या सेपरेट करता। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे, द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर देन द राइट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल रहता वॉल का वो थिकर देन राइट वेंट्रिकल रहता, ठीक है। उसके बाद बोल रहे, देन इनर सर्फेस ऑफ द वेंट्रिकल इज रेज इनटू मस्कुलर रिजेस कॉल्ड कॉलमने कारने। क्या बोल रहे, जो इनर सर्फेस रहता है वेंट्रिकल्स का, जो आगे जाके मस्कुलर रिजेस में बनता, उसको क्या बोलते, कॉलमने सरने बोलते बोल के बोल रहे, ठीक है। वेंट्रिकल्स का कंटिन्यूएशन करेंगे, क्या बोल रहे, सम ऑफ दीज रिजेस आर लार्ज एंड कॉनिकल आर कॉल्ड पैपिलरी मसल्स। फिर ये लोग जो रिजेस है, ये लोग बड़े हो जाते, कॉनिकल बन जाते, तो उसको क्या बोलते, पैपिलरी मसल्स बोलते बोल रहे, ठीक है। ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है। इसका मैं शॉर्ट वीडियो डाल देती हूँ, इजी डायग्राम। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे नोडल टिश्यू।
नोडल टिश्यू के बारे में क्या है, इट इज़ अ मॉडिफाइड हार्ट मसल, इट कंसिस्ट ऑफ टू नोड्स एंड फाइबर्स। क्या बोले, एक मॉडिफाइड हार्ट का जो मसल रहता उसको बोलते हैं नोडल टिश्यू, इसके पास दो नोड्स एंड फाइबर्स रहते। एक तो ये रहता कि अ पैच ऑफ दिस टिश्यू इज़ प्रेजेंट इन साइनो आर्ट्रियल नोड। एक इसका एक जो पैच रहता टिश्यू का वो कहाँ रहता, बोल रहे साइनो आर्ट्रियल नोड में रहता बोल रहे, विच इज़ लोकेटेड इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट वेंट्रिकल विच इज़ क्लोज टू द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा। अभी क्या बोल रहे, साइनो आर्ट्रियल नोड कहाँ रहता बोल रहे, अपर कॉर्नर पे, राइट आट्रियम के अपर कॉर्नर पे, जिसकी ओपनिंग होती है सुपीरियर वेना कावा पे, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट रहता। अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू कॉल्ड आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड विच इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम। अभी वहाँ पे कहाँ देखे थे अपन, राइट एट्रियम में देखे थे, विच इज़ ओपनिंग इन सुपीरियर वेना कावा। यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे देख रहे हैं, वहाँ राइट कॉर्नर पे देखे थे, यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम में देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोल, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड फॉर्म्स ए वी बंडल्स और हिज बंडल विच इज़ डिवाइडेड इन टू द राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। अभी ए वी एन किस में कन्वर्ट हो जा रहा, ए वी बंडल्स फॉर्म बनता है या फिर हिज बंडल्स फॉर्म करता, जो कि डिवाइड होकर क्या बन जाता है, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। अब भैया ऑर्टिक आर्चेस, ऑर्टिक आर्चेस किसको बोलते हैं, दीज आर देर आर टू ऑर्टिक आर्चेस इन मैन। इसमें अब मैन ह्यूमन में कितने आर्चेस रहता है बोल रहे, दो, एक पल्मोनरी रहता है, एक सिस्टेमिक रहता। पल्मोनरी आर्क बोलते क्या रहता है, इट अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट एंटीरियर एंगल ऑफ द राइट वेंट्रिकल। इन्हें कहाँ से अराइज होता है बोल रहे हैं, लेफ्ट एंटीरियर जो एंगल रहता है राइट वेंट्रिकल का, वहाँ से अराइज होता है। इट्स ओपनिंग इज ग्रेजुएटेड बाय द पल्मोनरी वाल्व एंड इट्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। अब इन्हें क्या करता है, इसकी ओपनिंग जो है पल्मोनरी वाल्व में होती और इन्हें क्या कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है टू द लंग्स, ठीक है। अब सिस्टमिक आर्क में क्या है, इट अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी अपन जो पल्मोनरी आर्क बोल रहे थे वो कहाँ से अराइज हो रहा बोल रहे थे, राइट वेंट्रिकल से, तो ये कहाँ से अराइज होता है, जाहिर सी बात है उन्हें राइट से हुआ था या लेफ्ट से हो रहा। एंड इट्स ओपनिंग इज ग्रेजुएटेड बाय द ऑर्टिक वाल्व, वो पल्मोनरी आर्क से उन्हें ओपनिंग हो रही थी इसकी पल्मोनरी की, सिस्टमिक की ओपनिंग कहाँ से होती, ऑर्टिक वाल्व से होती। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू इट्स ब्रांचेस। वहाँ पल्मोनरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर हो रहा था, सिस्टमिक में क्या होता, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर होता थ्रू इट्स ब्रांचेस टू द होल बॉडी ऑफ द पार्टी होल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। चलो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है। अभी डायग्राम में क्या है, ये सिस्टमिक आर्क है, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी, ये राइट पल्मोनरी वेन, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, लेफ्ट कॉर्नरी वेन, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये पोस्ट कैवल वेन, ठीक है, ये प्री कैवल वेन। इसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में पल्मोनरी आर्टरीज, ये अयोटा, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, इन्फीरियर वेना कावा, दैट इज़ सुपीरियर वेना कावा। इसका इजी डायग्राम मैं आपको बताती हूँ बाद में, ठीक है। अब पहले क्या लिखना, हेडिंग लिख लेना, उसके बाद पेरिकार्डियम वो सारे हेडिंग लिखे, फिर पेरिकार्डियम के बारे में लिखे, फिर हार्ट वॉल के बारे में लिखे, हार्ट का स्ट्रक्चर डाल दिए, क्या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट डाल देना, उसके बाद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में लिखना, लिखे बाद उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके जितने भी पार्ट्स हैं आर्ट्रिया, वेंट्रिकल्स, नोडल टिश्यू, ऑर्टिक आर्क्स, पूरे वेंट्रिकल्स, उसके बाद क्या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट डाले, उसमें नोडल टिश्यू, ऑर्टिक आर्क, पल्मोनरी आर्क, सिस्टमिक आर्क, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन इफ यू हैव एनी डाउट्स टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।